हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से वापस आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम या तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलो। आप लोग इजिली अगर इस चीज़ को कर लोगे क्वेश्चन तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग को ईजिली 35+ ईजिली ला दोगे। कितना 35+ कितना 35+ ईजिली ला दोगे जो जो क्वेश्चन बोलूँगा अगर आप लोग करके गए तो। मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोग के लिए साइंस 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां तो ये चारों लेसन पांचों लेसन का मैं बताता हूँ। फटाफट चलता हूँ यहाँ पर आप लोग को 6वें लेसन पर और एक एक करके आप लोग को बताता हूँ क्वेश्चन। इसको टिक मार्क कर लेना अच्छी तरीके से और लर्न कर डालना। तो 6वें लेसन पे फटाफट चलते, 6 वाले लेसन पे आ जाते फटाफट। नियर भाई आ चुके मेरे भाई यहाँ पर, अभी तो बहुत ऊपर हैं। 6 वाले लेसन 6 6 6 6। देखो 6 वाला लेसन आ गया। आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए, मैं पहले ही आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पर 35+ ईजिली साइंस 2 में ला सकते हो क्लास 9th। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर 6वें लेसन से ये चीज़ आप लोग को फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से लर्न रहना चाहिए एंड उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को आना कहाँ पर है देखो, इस तरीके से आना है आप लोगों को सबसे नीचे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को पहला क्वेश्चन एंड सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करना है एंड यहाँ से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन ए दो क्वेश्चन बी वाला एंड डी वाला एंड अगर और क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हो, बट ए दो क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से इसको। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से स्पैरोगेरा का डायग्राम आप लोग को बनाने आना चाहिए इस तरीके से। इस लेसन में से बस इतना आप लोग को करना है तो करना है, उसके बाद और आप लोग कर सकते हो, बट मैं इतना बोल रहा हूँ आप लोग को ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा उसको आप लोग समझ सकते हो, बट आप लोगों को सबसे पहले इतना क्वेश्चन आप लोग को इसमें से करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है सबका, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा ये सब दिया गया है कहाँ पर मिलता है क्या होता है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा अगर जान लोगे तो भी बेटर है, अगर शॉर्ट नोट आया तो ईजिली आप लोग कवर कर सकते हो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा का। एंड उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चन बताया उसको आप लोग को करना है। और 7वें लेसन से क्या क्या करना, 7वें लेसन से सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है, इसमें से एक आप लोग को तीनों चारों टाइप्स आप लोग को अच्छी तरीके से लर्न करके रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन है छोटा सा देखो, यहाँ पर फूड चैन इसको आप लोग को करके रखना है फूड चैन तक का। एंड उसके बाद आप लोग को कहाँ पर आना है देखो, यहाँ पर इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर हाँ ट्रॉपिक लेबल, जस्ट आप लोगों से व्हाट इज़ द ट्रॉपिक लेबल पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद आप लोग को व्हाट इज़ द पिरामिड द नंबर से याद कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है देखो, यहाँ से नहीं अब एक्सरसाइज से आ जाते एक्सरसाइज, और ये दोनों करके रखना है, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। एंड उसके बाद अपने एक्सरसाइज में यहाँ से देखो ये वाला पूरा करना है एंड क्वेश्चन में 6 वाला करना है, ये करना है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को इसमें से देख सकते हो, जस्ट आप लोग को अच्छी तरीके से बस देखना रहेगा कर लेना। बट यहाँ से देखो इसमें से आप लोग को ए वाला क्वेश्चन बस ए वाला करो ए। एंड उसके बाद ये तीनों ड्यूरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, पहले बता दे रहा हूँ बहुत वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस हैं। एंड ए वाला इस तरीके से इसमें से कर सकते हो, और कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल इस तरीके से पूरा आप लोग हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। और इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकेंड से मैं बोला आप लोग सेकेंड वाला करके रख लो बस, और जो अंदर से बताओ उतना कर लेना। 8वें लेसन से यूज़फुल जो दिया गया आप लोग को इसमें से क्या क्या करना चाहिए उसको आप लोग को बता देता हूँ।
व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन आ सकता है, याद रखना ये छोटा से क्वेश्चंस हो सकता है आप लोग के एग्जाम के लिए। यूज ऑफ द लैक्टोबेसिलाई, ये चीज आप लोग इसमें से कोई भी दो पॉइंट कवर कर लेना, कितना दो पॉइंट, बस दो पॉइंट जितना मैं बोल रहा हूँ बस दो पॉइंट, तो दो पॉइंट कवर कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये वाला डायग्राम आप लोग को आना चाहिए, और व्हाट इज दिस बर्डिंग इसको आप लोग को समझना और ये डायग्राम को ड्रॉ करने आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, देखो मेरे भाई इसको अच्छी तरीके से आप लोग करना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इसको थोड़ा सा चार्ट को पढ़ सकते हो, पढ़ लेना चार्ट को। एंड उसके बाद एक्सरसाइज से, देखो एक्सरसाइज से पूरा करना है, एंड ये वाला एक्टिविटीज़ जो दिया गया ना ये सब आप लोग को करना। एंड उसके बाद यहाँ से ऑड मैन आउट दिया इसको करना है, और गिव द साइंटिफिक रीज़न में से आप लोग को दोनों करके रखो, दोनों, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं बोलूँगा ये वाला है, बट दोनों कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को इसमें से क्वेश्चन ये वाला अच्छी तरीके दोनों करके रखना। एंड इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो छोटा छोटा है कर सकते हो, बट मैं ये दो क्वेश्चन हो गया एंड एक ही तीन क्वेश्चन यहाँ से मैं दे रहा हूँ आप लोग को। आ जाता है नवा लेसन, नवा लेसन में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है, एंड उसके बाद आप लोग को क्या याद करना है उसको भी देखो। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके जाना। व्हाट इज़ दिस मेट्रोलॉजी आ सकता है आप लोग एग्ज़ाम में, याद रखना मेट्रोलॉजी का डिफिनेशन। एंड ए वाला तो आप लोग को पूरा चार्ट अच्छी तरीके से याद करना, ए वाला याद रखना, और इंडियन यहाँ पर इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का आप लोग को शॉर्ट नोट आ सकता है, बट मैं बोलूँगा कि आप लोग आगे आओ। एक ही वाला करके रखना, एंड उसके बाद एक ये फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से कर लेना, और ये सातों नियम पढ़ सकते हो अगर पढ़ना रहेगा तो। इसमें से सबसे पहले ये करके रखना, और ये ज़्यादा चांसेस भी नहीं इस बार आने का, बट ए वाला मैं बोलूँगा ये वाला अच्छी तरीके से दो दो पॉइंट याद कर लेना, कितना शॉर्ट नोट दो दो पॉइंट याद करना, ये करके रखना। एंड उसके बाद ये वाला दोनों, एंड उसके बाद आप लोग को इसमें से क्या करना चाहिए उसको देखना ध्यान से। एक ये करके रखो, और एक फर्स्ट ऐड इको फ्रेंडली, बस तीन क्वेश्चन यहाँ से करो, हो गया आप लोग का ये भी चैप्टर सो क्लियर। एंड आप लोग को आना है दसवें लेसन पे, दसवें लेसन में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो बोलूँगा वो वाला पेज अच्छी तरीके से आप लोग करना, ए वाला इतना आप लोग कर लो बस, बात ख़त्म यहाँ से। एंड उसके बाद ए वाला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करके रखना अच्छी तरीके से, और बाकी तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा इस चैप्टर से, बस हो गया। बस जितना मैं बोला उतना कर लेना अच्छी तरीके से, और अगर एक्सरसाइज में आना है तो एक ये क्वेश्चन करके रख लेना, और एक कहाँ के कंप्यूटर वाला एक मिनट, हाँ ए दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंस होता है ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कर सकते हो। दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना, एक्सप्लेन करना रोल ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जैसा कि यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, बट जो क्वेश्चन मैं बोला उसको एक ए सी ए और देखना रहेगा, तो बस इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो ये चैप्टर भी आप लोग का पूरा क्लियर हो जाता है। इस तरीके से आप लोग का साइंस टू का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज था वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। फटाफट आप लोग को इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तो वो फटाफट आप लोग को कमेंट कर देना है।